मैं समझता हूं कि कितनी बड़ी मुल्क की तौहीन हुई कि एक बाहर का एक ऑफिशियल वो पाकिस्तान के एम्बेसडर को कह रहा है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को अगर तुमने ना हटाया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो फिर से मैं याद करा दूं कि अभी आई नहीं थी, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी और अगर उसको हटा दिया तो सब कुछ माफ हो जाएगा। ये था साइफर। मैं पहले कैबिनेट में रखता हूं, फिर 28 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखता हूं और वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सारे सर्विस चीफ होते हैं। जनरल बाजवा थे वहां, एयर चीफ थे, उधर नेवी के चीफ थे, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, हमारे सारी कैबिनेट के सीनियर मेंबर्स थे, फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरी बैठे हुए थे। और उसमें क्या फैसला होता है, जिस तरह एम्बेसडर असद मजीद ने रिकमेंड किया हमें डिमार्श करना चाहिए, हमें अमेरिका को प्रोटेस्ट करना चाहिए कि ये आपने हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की, तो जब वो उसमें आ गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में और डिमार्श कर दी, तो जो उसके जो साइफर के अंदर चीजें लिखी हुई वो तो पब्लिक हो गई। क्योंकि जब आपने पब्लिक एक स्टेटमेंट दे दी, सीक्रेट तो ना रहा वो, क्योंकि डिमार्श ने आपने किस पे, तो ये चीजें सामने आ गई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में और कैबिनेट में भी डिस्कस हो गए। साइफर तो सेफ, जिस तरह सनाउला ने कहा वो फॉरेन ऑफिस में पढ़ा, उसके तो किसी को पता ही नहीं है जो साइफर की कोड है, जिसको पैराफ्रेज कहते हैं अंग्रेजी में लाज। हमारे पास जो आता है वो तो उसका मफहूम आया था और वो जाके नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और कैबिनेट में जब रखा और बाद में डीक्लासिफाई भी कर दिया, तो वो तो फिर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं रहा।